आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्वयं का संघ जम्मू सिटी की तरफ से की जा रही है, जिसमें पिछले 6 तारीख को जो हमारे स्वयं का संघ जम्मू सिटी के चुनाव हुए थे, उसमें हमारे आशुतोष कपूर जो कि विनिंग कैंडिडेट घोषित हुए थे, आज हम उनको मैंडेट देने जा रहे हैं कि आशु जी आज के बाद स्वयं का संघ जम्मू सिटी के प्रधान होंगे, और हम इनसे आशा रखते हैं कि ये समाज की सेवा तन मन से करें और हमारा सहयोग इनसे हमेशा बना रहेगा। श्री आशु जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप प्रधान बने हैं तो आप संघ के लिए क्या क्या करने लगेंगे? कोशिश है डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, जिसमें कामकाज से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी परेशानियां हैं उनसे जूझने का अच्छे से अच्छा जो है वो हल निकाला जाएगा, जिससे समाज के हर एक आदमी को जो है वो सहूलियात मिल सके और आराम मिल सके, वो आराम से काम कर सके। इस टीम में और कौन कौन बनाएंगे? जी, मैं ये आपको अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारी जो स्वर्णकार संघ जम्मू सिटी की टीम है उसमें प्रधान ऑफकोर्स जैसे मैं हूँ, जनरल सेक्रेटरी हमारे जो है वो वरुण वर्मा और अमित मित्रा जी हैं, कैशियर हमारे विनय सुंदर जी हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम पे प्रवीण आनंद जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अजय अग्रोल, कुशल अग्रोल जी, कमल टल्ला जी, ललित रुद्रा जी और सुरेंद्र शर्मा जी। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जो हैं वो दीपक पुरी, राकेश खन्ना, राकेश सेठी, गौतम हांडा और अमित आनंद। सेक्रेटरी हमारे जो हैं वो विक्रम खन्ना, वरुण नेगी जी, कुलदीप साहनी जी, तरुण केसर जी, मानव, और स्पोक्स पर्सन हमारे गगन सेठी और प्रदीप जी हैं जो यहीं उपस्थित होंगे। इनके अलावा मैं हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में तरुण वर्मा जी हैं, भूपेंद्र सोनिक जी हैं, किशोर बब्बर जी हैं, गौरव जी हैं, अनूप सराफ जी हैं, कमल पुरी जी हैं, अश्विनी जी हैं, और हमारी एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें हमारे बुजुर्ग जो हैं विजय गोंडू जी ये विराजमान, मनोहर लाल जी, योगराज निश्चल जी, रमेश आनंद जी, राजेंद्र वर्मा जी, सुभाष चौहान जी, अतुल केसर जी, केदारनाथ निश्चल जी, दर्शन खन्ना जी, गुरबख्श सेठी जी, रमेश सूरी जी, राहुल करोबर जी, रविंदर अग्रवाल जी, जुगल वर्मा जी, राजकुमार आनंद जी, जोगिंदर जी, आशीष सानी जी, केवल अग्रोल जी। इसी तरीके से हमारे ये सारे हमारे जो है कि एडवाइजरी कमेटी में हमारे बुजुर्ग जो है वो हमारी सरपरस्ती है, ताकि अगर हम कहीं गलत हो रहे हैं या किसी चीज को सही करना है तो हम उनकी राय ले सकें। और सर ये बताइए कि नरेश जी एक सवाल रहेगा पहले आपसे, नरेश जी जैसे कि पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता भी प्रेस क्लब में की गई थी, तो साफ तौर पर उसमें राजकुमार बब्बर की एक लेटर दिखाई गई जिसमें ये कहा गया कि ये जो है इलेक्शन हुआ है ये हम इसको निष्कासित करते हैं, मतलब ये हम नहीं मानते और दोबारा से री इलेक्शन होंगे, उसके ऊपर आपका क्या कहना? सर प्रोविंस का सिटी में कोई ऐसा रोल होता नहीं, प्रोविंस का काम है सिटी में इलेक्शन करवाना, जो कि विधिवत तरीके से इलेक्शन हुआ। इन्होंने एडीसी जम्मू जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया और उन्होंने हमें क्लीन चिट दे दी। ये तभी वहाँ पर बैठे हुए थे, सारे लोग वहाँ पर बैठे थे, ये तीनों कैंडिडेट वहाँ पर बैठे थे, तो उन्होंने जहाँ पर उनको क्लीन चिट दे दी, उसके बाद बाकी रोल उनका ख़त्म हो गया। तो अभी हमारी टीम जो है, अगर हमारी टीम में कोई किसी तरह का कोई नाकामी इन्होंने कोई देखी है कुछ किए तो हमें बताएं। हमने तो इनको ओपनली बोला था कि आप कहीं भी जा सकते हो, कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, और जहां पर भी ये गए हैं उन्होंने हमारे हक में दिया है,
हमारे हक में सभी ने बोला है, और जे इनके सामने ये तीनों कैंडिडेट वहाँ पर बैठे थे और हमारे समाज वहाँ पर बैठा हुआ था। मैडम ने खुद बोला, वहाँ पर एडीसी मैडम ने खुद बोला कि ये इलेक्शन जो है फेर है, और एसएचओ साहब ने भी बोल दिया, यही बोला कि इलेक्शन फेर है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर हमसे कोई सुनेगा नहीं, अगर एडीसी मैडम ने कोई कमीशन अपॉइंट किया एज ए तो जो तहसीलदार साहब जो है वो उनको अपॉइंट किया, इनके कहने से जो कैंडिडेट वो कह रहे थे कि भाई इलेक्शन फेर नहीं है, उनके कैसे वो गए वहाँ पर। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें सुनिए। एडीसी मैडम ने उनको भी सुना और हमें भी सुना, दोनों पक्ष को सुना, और जब उन्होंने दोनों पक्षों को वहाँ पर बुलाया, यहाँ पर सारे बैठे थे, जो तीनों कैंडिडेट थे वो भी बैठे थे, जो हारे हुए वो भी बैठे थे, जीते हैं वो भी बैठे थे, और वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया इन तीनों के सामने उन्होंने, और हमारे जो कैंडिडेट थे जो हारे हुए कैंडिडेट थे उन्होंने खुद बोला, मैम ये अपना अपने व्यूज़ बताएं क्या है आपके क्यों हुए, और मैम ने बोला कि जो एसएचओ पकड़ नंगा के व्यूज़ हैं उन्होंने बोला था कि बिल्कुल फेयर है, इलेक्शन फेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर इलेक्शन फेयर है कुछ है तो हमें हमारे जो विनर कैंडिडेट हमारे घोषित हुए थे, हमारा काम है उनको मैंडेट देना और उनको आगे समाज के लिए काम करने का वो देना। वो आओ सारे बुलाओ, इधर बुलाओ।